फ्रेंड्स लोग, आज हम कुछ आपके लिए नया लेके आए हैं जो कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पे बेस्ड है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ शिक्षा में बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? अभी तक आप पढ़ते थे छोटा सा कहाँ से कबूतर कहाँ से खरगोश, अब वही एजुकेशन पॉलिसी जो कि लॉर्ड मैकाले की नीतियों पे बेस्ड थी पहले, अभी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव होना ज़रूरी भी था क्योंकि उतना वो पहले की जो पॉलिसी ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी जो उसी पैटर्न पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कई बार हुए लेकिन उसी तर्ज पे वो चल रही थी। अभी कुछ नए बदलाव हुए हैं। पहले की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि आप हमारी शिक्षा एजुकेशन थी वो प्रोड्यूस करने के लिए थी सिर्फ क्लर्क, ना कि साइंटिस्ट इंजीनियर। और उसमें स्टूडेंट लोगों को बहुत दिक्कत भी होती थी, खासकर जो पुराने लोग पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत हुई होगी उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, अभी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें आपको बहुत छूटें मिली हैं, स्वतंत्रता मिली है। तो हम पढ़ के बता देते हैं आपको क्या है। स्कूली शिक्षा में 10+2 ख़त्म। अब आपका क्या है कि 10+2 ख़त्म हो गया तो आपका क्या नया होगा? नया होगा आपका 5+3+3+4, यानी 5+3 8+3 11+4 जो नई व्यवस्था लागू की गई है। अब 4 साल की डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए बिना एमफिल, अब एमफिल ख़त्म कर दिया गया है, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि नई दिल्ली 29 जुलाई 2020 मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद यानी 34 या 3 डिकेड के बाद 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये पहले जो आपका नाम था वो MHRD था, अब आपका HRD हो गया, तो अब आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया शिक्षा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम तो चेंज होना भी चाहिए था, ये शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए था। ये पॉजिटिव एक मेरे हिसाब से तो ये अच्छा बदलाव है कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। इसे समझें, अब इसे 10+2 में ना बांट कर कैसे फॉर्मेट बना दिया गया, 5+ प्राइमरी एजुकेशन +3 आपका 8वीं तक की शिक्षा, फिर 11+4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल से पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल का मध्य चरण जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 और माध्यमिक अवस्था को 4 वर्ष यानी कक्षा 9 से कक्षा 12। इसके अलावा स्कूलों में कला वाणिज्य विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है, आप जो भी पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं, आप छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई कोर्स आपका 4 साल का है, अगर आपने 1 साल किया है तो 1 साल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा और 4 साल करेंगे तो डिग्री मिलेगा। अब तक क्या होता था कि अगर आपको कोर्स पूरा नहीं किया तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, अभी क्या हो गया है आपको क्रेडिट दिया जाएगा, अगर 1 साल भी किया है तो आपको उतना क्रेडिट दिया जाएगा।
तो ये एक अच्छा बदलाव है। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए, और उसके बाद बिना एमफिल, यानी एमफिल सीधा ख़त्म कर दिया गया, आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा के निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। इसका मतलब आप समझें कि अब बोर्ड कैसे होगा, अब बोर्ड क्या इंग्लिश मीडियम हो जाएगा या हिंदी मीडियम रहेगा? नहीं, देखिए हर स्टेट में तो इंडिया के वो बोली नहीं जाती है आपका हिंदी, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये सरकार का कहना था कि आपको पूरा हिंदी में होगा, हिंदी मतलब हिंदी आपके लिए कंपलसरी होगा। तो कई स्टेट्स ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि हिंदी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या है कि जो बोर्ड होगा किसी भी आपका प्रदेश का, वो आपका क्या होगा, वो आपका उसी की लैंग्वेज में होगा, उसी की। अगर उड़ीसा का है तो उड़िया लैंग्वेज, बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज। हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं, बस हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है। अब सिर्फ कक्षा 12 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। पहले 10वीं बोर्ड के भी एग्ज़ाम अनिवार्य होता था, अब नहीं होगा। 9 से लेकर 12 तक 12वीं क्लास तक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+ तक पढ़ाया जाएगा, यह बता चुके हैं। कॉलेज में की डिग्री, अब हायर एजुकेशन थोड़ी बात करते हैं। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों में होगी। ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होंगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जो हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल का होगा। जो रिसर्च करना चाहते हैं बाद में, उनके लिए आपका ये 4 साल का होगा। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों की परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। देखिए भाई, अभी तो नौकरियां वैसे भी कम हो रही हैं, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ रहा है सभी को। तो अभी क्या है, अभी आपको स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी, जिससे कि आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना कुछ बिजनेस कर सकें या अपने आप को स्टैंड कर सकें मार्केट में। गुणवत्ता योग्यता अनुसाधन के लिए एक नई राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध सीधे देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। अब गणित को स्कूल में लगभग ख़त्म ही कर दिया जाएगा, 10% ही भार दिया जाएगा। सिर्फ योग और संगीत पर अब बच्चे की ज़्यादा पकड़ होगी, ठीक है बच्चों। तो ये नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड कीजिएगा अपने स्टूडेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।